हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोनिका। सो मिनिमलिस्ट ने कुछ टाइम पहले ही दो सनस्क्रीन लॉन्च किए हैं, जिसमें से मैंने बाय किया है ये मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन। इसको मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो आज मैं इसी का रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो देन कीप ऑन वॉचिंग। सो दिस इज मिनिमलिस्ट मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन। इट कम्स इन दिस प्लास्टिक बॉटल विथ पम्प टाइप ओपनिंग। इट हैज़ SPF 50 एंड PA 4+। सेल्फ लाइफ इसका अराउंड 1.5 ईयर है, बट ओपन करने के विद इन 6 मंथ में ही इसे आपको यूज़ करना होगा। सो इट इज़ अ सर्टिफाइड सनस्क्रीन। मिनिमलिस्ट ने जो दोनों सनस्क्रीन लॉन्च किए हैं, उनके इन विट्रो टेस्ट रिजल्ट शेयर किए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उस टेस्ट रिजल्ट में दिस सनस्क्रीन, दिस मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन हैज़ गुड स्टार रेटिंग 3, PA 4+ एंड SPF 58.15। तो उस टेस्ट रिजल्ट से हमें ये अश्योरिटी मिलती है कि जितना SPF इस पे मेंशन है एंड जितना PA रेटिंग इस पे मेंशन है, उतनी ही प्रोटेक्शन ये हमें दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स टेक्सचर, सो इट हैज़ सम लाइट क्रीमी टाइप ऑफ टेक्सचर, एंड जब आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे देन इट विल टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब, बट इट डज नॉट गिव एनी वाइट कास्ट एंड स्किन पे हैवी भी फील नहीं होता है। एक अच्छा ड्यूई फिनिश देता है स्किन को। इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, बट आई थिंक ऑयली स्किन पीपल इसे समर टाइम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मीन्स इस पे फिजिकल यूवी फिल्टर एंड केमिकल यूवी फिल्टर दोनों यूज हुए हैं। फिजिकल यूवी फिल्टर के लिए इसमें यूज़ हुआ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड केमिकल यूवी फिल्टर के लिए इसमें यूज़ हुए हैं यूविनल 150, एवोबेंजोन एंड ऑक्टिक क्राइलिन। ऑल्सो ये एक मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन है, तो इसमें कुछ विटामिन भी यूज हुए हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन ई एंड विटामिन एफ। ये विटामिन इसमें एज ए एंटी ऑक्सीडेंट वर्क कर रहे हैं। एंटी ऑक्सीडेंट हमारी स्किन को सन से डैमेज होने से बचाते हैं। ऑल्सो इसमें कोई फ्रेग्रेंस कंपाउंड नहीं यूज हुआ है, तो ये फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन है। ऑल्सो ये एक सिलिकन फ्री एंड पैराबिन फ्री सनस्क्रीन है। सो मैं इस सनस्क्रीन को कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड इसको यूज़ करते हुए मैंने कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट या फिर डाउन पॉइंट फील किए हैं, तो अभी मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जब मैं इसको अपनी आईज़ को अवॉइड करके अप्लाई करती हूँ देन इट इज़ ओके। अगर मैं आईज़ के आसपास के एरिया पे इसे अप्लाई कर लेती हूँ तो ये मेरी आईज़ को इरीटेट करता है। सो इफ़ यू हैव रियली सेंसिटिव आईज़, तो ये आपकी आईज़ को भी इरीटेट कर सकता है। सेकेंड थिंग, जब मैं ओनली दिस सनस्क्रीन को अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, मीन्स इससे पहले कोई लेयर नहीं लगाती, कोई सीरम या मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करती, तो ये एक अच्छा ड्यूई फिनिश देता है। बट अगर मैं इससे पहले एक या दो लेयर अप्लाई कर लेती हूँ प्रोडक्ट की, जैसे कि एक सीरम की या फिर मॉइस्चराइजर की, तो ये मेरी स्किन पे पील होने लगता है। सो अगर आप ऐसे पर्सन हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले एक दो लेयर अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की, तो दिस सनस्क्रीन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। सो अभी मैंने स्किन पर इस सनस्क्रीन से पहले फॉर्मूला RX का मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी पीलिंग ऑन माय स्किन। आई होप कि आपको पीलिंग दिखाई दे रही है मेरी स्किन पे। थर्ड थिंग, मिनिमलिस्ट ने बोला है कि दिस सनस्क्रीन इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बट एज पर माय एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप। मे बी विंटर टाइम में इसे ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑयली स्किन पीपल को इससे पहले कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर समर सीज़न में या फिर मॉनसून सीज़न में ऑयली स्किन पीपल इसे यूज़ करेंगे, तो उन्हें थोड़ा ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस फील हो सकता है अपनी स्किन पे। ऑल्सो अगर आप एक ह्यूमिड एरिया में रहते हो एंड आप ये सनस्क्रीन अप्लाई करोगे अपनी स्किन पे, तो तब भी आपको थोड़ा ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस फील हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सनस्क्रीन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मैं सारी चीज़ें सनस्क्रीन के बारे में आपको बता पाई हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू वॉच मोर स्किन रिलेटेड कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।